हेलो दोस्तों, मैं स्टेस मास्टर के आर सैनी के आर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। इस वीडियो में आज चर्चा करेंगे अपन आपके डीवी से लेके आपके ज्वाइनिंग तक के सफर में आपको कौन कौन सी यहाँ पे प्रॉब्लम्स का फेस करना होगा, किस किस स्टेप से आपको गुजरना होगा, क्या क्या आपको जो है समस्या आ सकती है और उनका जो है क्या क्या समाधान हो सकता है, मेडिकल में आपको किस टाइप की समस्या हो सकती है, आपको कौन सी प्रॉब्लम है और उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, हर टाइप पे अपन डिटेल से अपनी चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ही यहाँ पे मददगार साबित होने वाला। दोस्तों, डीवी के अंदर आपको किस किस टाइप की समस्या आ जाएगी और उनका जो है क्या क्या समाधान होगा इसके ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे। डीवी के बाद में दोबारा आपका जब ज्वाइनिंग होगी तब भी आपका दोबारा डीवी होगा, उस टाइम आपसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे उसके ऊपर भी अपन जो है कंप्लीट चर्चा करेंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखें दोस्तों, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला वीडियो। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ पे आपका डीवी से रिलेटेड। तो जैसा कि आप सभी को पता है यहाँ पे सभी आरआरसी का लगभग यहाँ पे मेडिकल और डीवी का शेड्यूल आ गया है और जिन आरआरसी का अभी तक ये शेड्यूल नहीं आया है मेडिकल और डीवी का, उनका बहुत जल्दी यहाँ पे आने वाला है। जिन भी कैंडिडेट्स की डीवी की और मेडिकल की डेट जारी हो गई है उन सभी लोगों ने जो है अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवा लिए होंगे या फिर जो है वो बनवा रहे होंगे। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में आपको जैसे कि काफी सारी समस्याएं आ सकती है, जैसे कि मान लो आपने फॉर्म भरते टाइम बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती है, पासिंग ईयर आपने गलत डाल दिया हो या अपना नाम गलत डाल दिया हो, फादर मदर का नेम गलत डाल दिया हो, स्कूल कॉलेज का नाम गलत डाल दिया हो और या फिर आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी गलत डाल दी हो, एड्रेस गलत डाल दिया हो, इस टाइप की अलग अलग टाइप की समस्या यहाँ पे देखने को मिल रही है। कई सारे दोस्तों ने यहाँ पे कैटेगरी तक भी गलत डाल दी, जिनको ईबीसी पे टिक नहीं करना था, ईबीसी में नहीं आते फिर भी उन्होंने ईबीसी पे टिक कर दिया था, इसका भी क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो फॉर्म से रिलेटेड कोई भी मिस्टेक होती है दोस्तों, अलग अलग टाइप की यहाँ पे मिस्टेक हुई है काफी सारे लोगों से, बहुत सारे इस पे डिटेल कमेंट्स आ रखे थे तो इसके ऊपर मैंने एक अलग से एक डिटेल वीडियो बना रखा है। उसमें आपकी जो प्रॉब्लम्स है उन्हीं को मैंने उठाया है, उनका मैंने जवाब वहां पे दिया है दोस्तों। तो वो जो वीडियो आप जाके देख सकते हैं उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। और वैसे आपसे अगर स्पेलिंग मिस्टेक किसी भी टाइप की, फादर मदर नेम के या किसी भी टाइप की स्पेलिंग मिस्टेक हुई है या आपने ग्रेजुएशन के पासिंग ईयर गलत डाल दिया, आपने बीए की जगह बीएससी लिख दिया, इस टाइप की अगर समस्या है आपके तो आप जो है वहां पे एफिडेविट लग सकता है आपका और एफिडेविट से आपका आराम से काम हो जाएगा। कई सारे दोस्तों को ये भी है कि सर हम प्रोविजनल डिग्री हमारी आई नहीं है, हमारा सर्टिफिकेट नहीं आया तो क्या हमारी प्रोविजनल डिग्री काम में आएगी? तो बिल्कुल दोस्तों, अगर आपका सर्टिफिकेट अभी तक नहीं आया है तो आपकी यहाँ पे प्रोविजनल डिग्री जो होगी वही काम में आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जैसे कि एनटीपीसी में भी कोई दिक्कत नहीं होती तो आपको भी दिक्कत नहीं होगी। ओबीसी एनसीएल का आप सभी को पता है 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, एससी एसटी वाला कोई सा भी कितना भी पुराना हो सेंटर का होना चाहिए चलेगा। यहाँ पे जो है डीवी में काफी सारे लोगों ने जो है यहाँ पे गलत कैटेगरी टिक कर दी थी दोस्तों, एससी एसटी में आते हैं लेकिन उन्होंने यूआर कैटेगरी टिक कर दी, या फिर जो है यूआर में आते हैं या ओबीसी में आते हैं उन्होंने एससी एसटी यहाँ पे टिक कर दी दोस्तों, तो इसमें जो है बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। यहाँ पे आपको जो है जनरल फाइट करना होगा दोस्तों, और कोई यहाँ पे ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पे कोई एफिडेविट नहीं लगेगा। आप अगर जनरल में फाइट कर पा रहे हो या आप किसी भी, जैसे कि मान लो आपने ईडब्ल्यूएस टिक कर दिया और आप ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं बनवा पा रहे हो तो इस केस में आपको जनरल की कट ऑफ यहाँ पे फाइट करनी होगी। कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप प्रस्तुत नहीं कर पाते हो या ओबीसी में आते हो ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं दे पाते हो या आपने गलत वहां पे कैटेगरी डाल दी थी तो आपको जो है यहाँ पे जनरल की कट ऑफ फाइट करनी होगी, नहीं तो जो है आपका कोई एफिडेविट यहाँ पे काम नहीं करेगा। इसी प्रकार की अलग अलग टाइप की बहुत सारी समस्या है डीवी से रिलेटेड, तो आप जो है अब तक जो है गलतियां हो चुकी है आपसे उनको, उनके लिए एफिडेविट वगैरह या बहुत सारे ऑप्शन है जो मैंने बता दिया ऑलरेडी और उस पर जो है मैंने वीडियो बना रखा है वो देख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आप जो है अब बिल्कुल भी गलती मत करना, जब आपका डिवीजन के ऊपर दोबारा से डीवी होगा वहां पे आपको जो है एक अटेस्टेशन फॉर्म भरवाया जाएगा, उस अटेस्टेशन फॉर्म के आधार पे आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, उसी के आधार पे आपके सारे को सर्विस रिकॉर्ड बनेंगे, सब कुछ आपका उसी के आधार पर होगा। तो अटेस्टेशन फॉर्म कैसे भरते हैं उसके ऊपर भी मैं आपको डिटेल वीडियो बनाऊंगा, उसको हमने जो है अटेस्टेशन फॉर्म हमारा कैसे भरा था और हमारे जो ग्रुप डी कर्मचारी है उन्होंने कैसे भरा था उनको मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा कि ज्वाइनिंग के टाइम उन्होंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे प्रस्तुत किए थे डिवीजन के ऊपर। और दोस्तों यहाँ पे एक आप बात में आपको सभी को कहना चाहूंगा कि आप जो है अपना फॉर्म जो है उसको डिटेल से जांच ले अभी इसी टाइम, क्योंकि अभी इस टाइम किसी टाइप की मिस्टेक होगी तो उसका जो है समाधान हो जाएगा, यहाँ पे आपका जो भी एफिडेविट वगैरह लग के समाधान हो जाएगा। लेकिन एक बार जैसे कि आपका नाम गलत चढ़ गया रिकॉर्ड में, जैसे कि आप फॉर्म में अगर गलत नाम डाल दिया, आपकी मार्कशीट में कुछ और नाम है तो वो नाम अगर चल गया एक बार, वहां पे अधिकारियों ने भी डीवी में ध्यान नहीं दिया और वो नाम अगर आगे चल गया आपके सर्विस रिकॉर्ड में चल गया, फिर वो दिक्कत कर देगा और वहां से जो है समाधान होने में बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा दोस्तों। ऐसा एनटीपीसी में कुछ बच्चों के साथ हुआ है जिनको बहुत प्रॉब्लम आ रही है, उनकी ज्वाइनिंग जो है इसी वजह से डिले होती जा रही है। तो ये गलती आप बिल्कुल भी नहीं करें, आपके फॉर्म में किसी भी टाइप की गलती है तो उसी को अभी इसी टाइम जांच ले,
फोन को अच्छे से एनालिसिस करें आपकी कोई गलती तो नहीं है, और अगर गलती है तो किस टाइप की है, जो मैंने अभी बताया उस टाइप की है, तो आप एपिडोट वगैरह लगा के उसका समाधान कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं, जैसे कि आपका डीवी यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया, उसके बाद में आपको शाम को या दोपहर में जब भी आपका डीवी कंप्लीट हो जाएगा, सारे कुछ डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं, आप पास हो जाते हो डीवी के अंदर, फिर आपको जो है एक मेडिकल लेटर यहाँ पे जारी किया जाएगा, जिसमें आपके हॉस्पिटल का नाम होगा जहां आपका मेडिकल होना है, और उसमें साथ में कुछ इंस्ट्रक्शन भी लिखे होंगे, सारा कुछ आप इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ लेना है, जिसमें लिखा होगा कि आपको जो है 10 बजे या जो भी रिपोर्ट का टाइम होगा उस टाइम पे आपको जो है हॉस्पिटल में ये डॉक्यूमेंट ले जाके आपको हॉस्पिटल में उपस्थित होना है, और आपको जो है खाली पेट जाना है, या दोस्तों आपको मेडिकल के अंदर खाली पेट जाना है, यह भी चीज उसमें लिखी रहेगी, और भी जो भी इंस्ट्रक्शन उसमें लिखे होंगे उसको आप अच्छे से फॉलो कीजिएगा, और आप जो है मेडिकल में मेडिकल के लिए हॉस्पिटल पहुंचे, और आपको नर्वस बिल्कुल भी नहीं होना है। सबसे बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, जैसे कई सारे लोग जो है नॉर्मल बीपी रहती है, लेकिन हॉस्पिटल में जब डीवी के मेडिकल के टाइम उनकी बीपी जो है हाई हो जाती है, किसी की लो हो जाती है, और ब्लड जो है कई तरह से वो घबरा जाते हैं, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, आप एकदम फिट हो, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप मान लो A2 मेडिकल में फिट नहीं पाए जाते हो, तो आप A3 में होंगे, B1 में होंगे, B2 में होंगे, C1 में होंगे, किसी ना किसी मेडिकल में आप जो है आराम से फिट हो जाओगे। इसमें अलग अलग टाइप की बहुत सारी पोस्टें हैं, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। आप सबसे पहले जो आपको भूखे पेट जाना है, और आप जो है पानी यहाँ पे ले सकते हो दोस्तों। आप तुरंत जाते ही जो है वहां पे जो है आपको एक प्लास्टिक की छोटी छोटी डिब्बियां देंगे, आपका यूरिन का टेस्ट होगा दोस्तों, और यूरिन का आप जो है उसको कहेंगे कि आप जो है इसमें यूरिन डाल के लाइए, फिर वो आप वो डिब्बियां ला के रख देंगे, उसमें जो है वो लिटमस होते हैं नीले और कलर के, तो उनको जो उसमें डाल के और चेक करते हैं, अगर उसका कलर चेंज हो जाता है, जैसे कि दो कलर होते हैं तो उसमें से कौन सा कलर हो रहा है उसका, उस हिसाब से आपके उसमें देखा जाता है कि यूरिन में कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है, या फिर जो है आपके डायबिटीज वगैरह किसी टाइप की बीमारी तो नहीं है। इसके बाद में फिर आपका यहाँ पे ब्लड टेस्ट भी होगा, और आपका जो बीपी वगैरह भी नापा जाएगा, अगर बीपी कई सारे बच्चों का जो है नॉर्मल बीपी नहीं आता है, तो ऐसा नहीं है कि आपके अगर बीपी में कोई प्रॉब्लम हो तो आपको तुरंत बाहर कर दिया जाएगा, आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा, और सब कुछ अगर उस दिन आपका नहीं हो पाता है, बीपी सही नॉर्मल नहीं आता है, तो आपको फिर जो है 10-15 दिन का यहाँ पे टाइम दे दिया जाएगा कि आप जो है 10 दिन बाद आइए, फिर आप अपना बीपी का टेस्ट करवाइए। तो आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, बीपी आपको जो है एकदम कंट्रोल रखनी है, एकदम यहाँ पे आराम से बड़े पेशेंस आपको मेडिकल देना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जैसे नेचुरल रहते हो वैसे के वैसे यहाँ पे हॉस्पिटल में जाना, बिल्कुल टेंशन मत लेना, कोई उल्टा सुल्टा मत खाना किसी भी टाइप का, आपको नेचुरल जैसे हो वैसा के वैसे हॉस्पिटल में जाना है। उसके बाद में आपका जो है चेस्ट का एक्सरे भी होगा, जैसे आप सभी ने देखा होगा नॉर्मल सा एक्सरे होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चेस्ट का आपका एक्सरे होगा और कहीं का एक्सरे नहीं होगा, सिर्फ चेस्ट का एक्सरे होगा। और कुछ दोस्तों का सवाल है कि सर वहां पे जो है कपड़े भी उतरे जाते हैं क्या, तो बिल्कुल दोस्तों वहां पे आपके जो है कपड़े उतरवा के भी चेक किया जाएगा। और क्या चेक किया जाएगा, एक तो जो है आपके हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम होती है, काफी सारे लोगों के हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम होती है, तो वो चेक की जाती है, और जो है एक पाइल्स का यहाँ पे टेस्ट किया जाता है। तो देखो पाइल्स के अंदर क्या होता है ना, अगर किसी के पाइल्स वगैरह की प्रॉब्लम है अभी, तो वो जो है डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, वो आप यहाँ पे ट्रीटमेंट लेके या ऑपरेट करा के उसको सही करवा सकता है। अगर फिर भी सही नहीं होता है मेडिकल के दौरान भी, अगर आपको सही नहीं होता है, तो आपको जो है मेडिकल में यहाँ पे टाइम दे दिया जाएगा कि आप जो है 1 महीने बाद आइए या 2 महीने बाद आप ट्रीटमेंट करवा के आइए। इसी प्रकार हाइड्रोसिल वाले केस में भी आपको नहीं निकाला जाएगा, वहां भी आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा कि आप जो है इतने दिन का टाइम लीजिए, दोबारा से आप ऑपरेट करवाइए या कुछ भी करवाइए, ट्रीटमेंट लीजिए, आप जब सही हो जाए तो दोबारा से आपका मेडिकल हो जाएगा। तो इसमें भी आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, ये दोनों टाइप के अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप सभी लोग जो है इसका ट्रीटमेंट लें और जल्दी जल्दी सही हो जाइए। अगर सही भी नहीं हो पाते फिर भी आप जो है मेडिकल देने जाना है। एक दोस्तों यहाँ पे जो है आपका कलर विजन का टेस्ट होगा। कलर विजन के अंदर जो है एक 32 से 40 पेज की एक बुक होती है, उसमें नंबर लिखे होते हैं और रेड और ग्रीन डॉटेड में लिखे होते हैं। तो जिनके कलर विजन का जो होता है बीमारी होती है, ये जन्मजात बीमारी होती है दोस्तों, जेनेटिक प्रॉब्लम है, तो वो लोग जो है उन नंबर को पहचान नहीं पाते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि अगर आप कलर विजन में फेल हो गए तो आप जो है जॉब से निकाल दिया जाएगा, आपको कोई सी जॉब नहीं मिलेगी। यहाँ पे अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड है, तो ये कलर विजन का जो है आपके A2 और B1 में ही है मेडिकल स्टैंडर्ड, जो है A2 और B1 वाली पोस्ट आपको नहीं मिलेगी अगर आपके कलर विजन है। बाकी आप जो है B2 की या C1 की जो भी मेडिकल स्टैंडर्ड की पोस्ट है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और कलर विजन जो है दोस्तों, क्योंकि कलर विजन का यहाँ पे पॉइंट्समैन के अंदर यहाँ पे सिग्नलों से ही काफी सारा काम होता है, तो इसलिए वहां पे जो है आपको सिग्नल वगैरह पहचान नहीं आएंगे तो वो सारी दुर्घटना हो जाती है, इसलिए आपको जो वहाँ पे अलाउ नहीं करेंगे A2 मेडिकल स्टैंडर्ड के अंदर अगर आपके कलर विजन है तो। बाकी मैक्सिमम जो पोस्ट है दोस्तों B1 के स्टैंडर्ड की है, तो आप जो है आराम से B1 के अंदर फिट हो जाएंगे, इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है अगर किसी के कलर विजन भी है तो। इसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो होता है आंखों का टेस्ट होता है, और आंखों में भी अलग अलग क्राइटेरिया दे रखा है दोस्तों। इसके ऊपर मैंने डिटेल से एक वीडियो बना रखा है कि आपको जो मेडिकल कौन से मेडिकल स्टैंडर्ड में किस क्या क्या चीजें अलाउ है और क्या क्या चीजें आपकी अलाउ नहीं है,
तो इसमें आंखों के लिए ए टू मेडिकल स्टैंडर्ड के अंदर आपका 6:9 की आंखें होनी चाहिए विदाउट ग्लासेस। यहाँ पे चश्मा बिल्कुल अलाउ नहीं है। जिनके चश्मा लगा हुआ है वो ए टू में डायरेक्ट बार है, उनको ए टू में अलाउ नहीं करेंगे, चाहे आपके चश्मा किसी भी नंबर का हो। इसके बाद बी वन में आपका 6:9 आप चश्मे के साथ में चल जाएगा। और अलग अलग जैसे कि नीचे जो है आपके 2 डायोप्टर से ज्यादा क्षमता नहीं होनी चाहिए, बी टू में 4 डायोप्टर से ज्यादा क्षमता नहीं होनी चाहिए, और सी वन के अंदर आपके चश्मा होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, चश्मा भी चलेगा विदाउट ग्लासेज चलेगा। और वहां पे चश्मे के नंबर की कोई या डायोप्टर जो क्षमता होती है उसका कोई मेंशन नहीं है, कितने भी डायोप्टर का हो बिल्कुल चलेगा दोस्तों। तो यहाँ पे चश्मे वाला जो होता है जिसके चश्मा लगा है वो ओनली ए टू नहीं ले सकता, और उसके नीचे अलग अलग टाइप के जो क्षमता होती है चश्मे के उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बढ़ती हुई पोस्ट है। फिर भी आपको जो है कोई ना कोई पोस्ट यहाँ पे सी वन तो मिल ही जाएगी, चाहे आपकी आंखें कितनी भी कमजोर हो। तो चश्मे वालों को भी बिल्कुल डरने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, आपको भी जॉब यहाँ पे मिल जाएगी। और जो दोस्तों यहाँ पे आंखों का जो टेस्ट होगा ना वो आपको एक बंद कमरा होगा जिसमें हल्का सा अंधेरा होगा और दूर एक नंबर लिखा होगा, जैसे कि 6:9 का मतलब होता है 6 मीटर दूर से आपके 9 mm के लेटर आपको पढ़ाए जाएंगे। अगर आप वो पढ़ रहे हो तो आपको जो है आपकी आंखें जो है 6:9 की है, और अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो आपकी आंखें 6:9 से वीक है। वहां पे अलग अलग स्टैंडर्ड है, चश्मे वाले भी हैं, चश्मा लगा के भी आप 6:9 लेटर पढ़ सकते हो, विदाउट चश्मा भी पढ़ सकते हो। विदाउट चश्मा पढ़ोगे 6:9 तो आपको पॉइंट्समैन वगैरह ए टू स्टैंडर्ड मिल जाएगा, और ए टू मिल गया तो आप नीचे के सारे स्टैंडर्ड में पास हो। और अगर आप बी वन स्टैंडर्ड पास कर लेते हो तो बी वन और बी वन के नीचे के सारे स्टैंडर्ड है वो आप पास पाए जाते हो। तो इस प्रकार आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होगा। और आंखें जो टेस्ट की जाएगी दोस्तों एक सी आकार का ऐसे एक आकृति होगी, और उसको जैसे घुमा घुमा के आपसे जो पूछा जाएगा कि इस सी का जो है मुंह किस साइड पे खुला हुआ है, तो वो आपको बताना है। और आपकी एक आंख पे जो है गत्ता लगा लिया जाएगा और एक आंख से आपको दिखाया जाएगा कि इस सी का जो है मुंह किस साइड पे है, एक बंदा उसको घुमाता रहेगा और आपको बताना है कि इसका मुंह जो है अभी राइट हो गया या अप हो गया, डाउन हो गया या फिर लेफ्ट हो गया, इस टाइप से आपको बताना है। अगर आप वो बता पाते हो तो आपकी आंखें जो है फिट पाई जाती है। इसी प्रकार आपकी ये आंख भी रहेगी, इससे दिखाया जाएगा वन बाय वन। आप इस चीज में एक ध्यान रखना, कई जगह क्या होता है ना, यहाँ पे कई जगह तो गत्ता लगा दिया जाता है वो तो ठीक है, अब कई जगह आंख को ऐसे दबा दिया जाता है और एक आंख से दिखाया जाता है, तो इस आंख से तो आप पढ़ लोगे, लेकिन जब इस आंख को छोड़ के और आपसे पढ़वाया जाएगा तो आंख जो है अपनी कुछ देर नॉर्मल पोजीशन आने में थोड़ा टाइम ले लेगी और आपको थोड़ी देर यहाँ पे धुंधला सा दिखेगा। तो ऐसी गलती नहीं करनी है, अगर आपकी आंख दबाए तो आप जो है उनको बोल दीजिएगा कि आप जो हल्के से यहाँ पे हाथ रख ले, इस टाइप से ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, आपको मेडिकल के अंदर एकदम पूरा अच्छे से पानी वानी पी के एकदम मेडिकल देना है, बीपी का बिल्कुल ध्यान रखना है, एकदम शांत रहना है। और आंखें का जब भी टेस्ट हो तो मुंह को जो है एक बार ठंडे पानी से जरूर धो लीजिए, आंखें जो है बार बार नम करते रहिए, और जैसे कि ठंडे स्थान पर बैठिए, बाहर नहीं जाना आपको मेडिकल के दौरान, जैसे कि बीच में लंच ब्रेक हो जाता है तो बाहर आप धूप में जा रहे हो, जैसे कि आप सभी को पता है धूप से फिर छाया में आने में जो है आपकी आंखें थोड़ी एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लेती है, आपको वहीं छायादार स्थान होते हैं आपके डिवीजन पे वहीं पे आपको बैठना है, जिस भी मेडिकल हॉस्पिटल में होगा आपको वहां पे बड़े आराम से मेडिकल देना है। और भी किसी टाइप का अगर मेडिकल से रिलेटेड अगर आपके क्वेरी है तो आप जो है कमेंट कर सकते हो, मेडिकल इतना बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता है, बहुत आराम से आसानी से आपका यहाँ पे मेडिकल हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों जब आप मेडिकली फिट पाए जाते हो तो वहां पे आपको पता नहीं लग पाता है, लेकिन डॉक्टर के अभाव से आपको बता दिया जाता है कि आप जो है मेडिकल पास हो या नहीं हो। यहाँ पे लेजर टेस्ट भी होगा, लेजर टेस्ट सभी पोस्टों में नहीं है, कुछ पोस्टों में ए टू मेडिकल स्टैंडर्ड वगैरह में आपका लेजर टेस्ट भी होगा, तो लेजर टेस्ट जिनके होगा उनको ए टू मेडिकल स्टैंडर्ड में यहाँ पे अलाउ नहीं करेंगे। इसके बाद दोस्तों जब आप मेडिकली फिट हो जाओगे आपको फिर घर भेज दिया जाएगा, कुछ दिनों बाद में आपका यहाँ पे डिविजन अलॉटमेंट होगा, और हो सकता है ये बहुत जल्दी कर दे, 5-10 दिन में या महीना भर भी लग सकता है। तो डिवीजन अलॉटमेंट होने के बाद में आपका जो भी डिवीजन होगा वो आपको यहाँ पे भेजेगा ज्वाइनिंग लेटर, और ज्वाइनिंग लेटर में फिर से सारे कुछ डॉक्यूमेंट्स मेंशन होंगे, आपसे शपथ पत्र मांगेंगे, एनओसी मांगेंगे अगर आप ऑलरेडी जॉब में हो तो, या फिर आपके सारे कैटेगरी के जो डॉक्यूमेंट्स है, मतलब जो आप अभी लगा रहे हो ना सारे डॉक्यूमेंट्स, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे जो दोबारा मांगे जाएंगे, और इन सबके एक्स्ट्रा अलावा जो है आपसे अटेस्टेशन फॉर्म भी भरवाया जाएगा। और अटेस्टेशन फॉर्म जो है भरना बहुत ही आसान है, मैं जो है अपने ग्रुप डी कर्मचारी जो है उनका अटेस्टेशन फॉर्म आपको दिखा दूंगा, उन्होंने जो है कैसे भरा था, सारे कुछ डॉक्यूमेंट्स उन्होंने ज्वाइनिंग के टाइम में कौन कौन से लगाए थे, इसे मैं एक अलग से डिटेल वीडियो बना दूंगा, आप वो जाके देख सकते हो, काफी हेल्पफुल होगा। इसके अंदर दोस्तों आपको डिविजन अलॉटमेंट कैसे होता है वो होता है आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग। मान लो कि आपका घर आपके जोन में पड़ता है तो रेलवे कोशिश करती है कि आपको जो है आपका होम डिवीजन यहाँ पे दिया जाए, आपका घर जिस डिवीजन में वो आपको डिवीजन यहाँ पे दिया जाए। अगर आपका जैसे कि आप मान लो आप अजमेर बोर्ड से, आपका अजमेर बोर्ड में अजमेर जोन में घर है और आप जो है चेन्नई में, फिर वहां जो है आपको कोई भी रेंडम डिवीजन दिया जा सकता है। बाकी अगर आपके जोन में आपका घर है तो आपको होम डिवीजन देने की यहाँ पे रेलवे कोशिश करती है, और मैक्सिमम बच्चों को वही मिलता है दोस्तों। इसके बाद में आपका अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह सारा कुछ भरेगा, उसी के आधार पर आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, सारे आगे की जो सर्विस रिकॉर्ड बनेगा
वो अटेस्टेशन फॉर्म के आधार पर बनेगा, आपका पुलिस वेरिफिकेशन उसी के आधार पर होगा, और एड्रेस जो आप उसमें डालोगे उसी के आधार पे, परमानेंट एड्रेस डालोगे या परजेंट एड्रेस डालोगे दोनों में डाल सकते हो, उसी के आधार पे पुलिस वेरिफिकेशन होगा। और पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होगा उसका भी मैं आपको अलग से एक डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है ऑलरेडी, और बना दूंगा ग्रुप डी वालों के लिए, तो आप जो है चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। दोस्तों जब आप ज्वाइनिंग करवाओगे किस डिवीजन पे जाके, तो ज्वाइनिंग के बाद में आपकी जो है ट्रेनिंग होगी, और ट्रेनिंग जो है हो सकता है आपको 10-5 दिन बाद का या महीना भर भी यहाँ पे लिया जा सकता है, और हो सकता है 5 दिन में आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट करा दे। और ट्रेनिंग सेंटर आपका जो होगा, आपका जो भी डिवीजन होगा उसी के हेडक्वार्टर पे होगा। जैसे कि अजमेर जोन में मैं बात करूं, यहाँ पे 4 डिवीजन आते हैं, तो ग्रुप डी वालों का अजमेर बोर्ड से या अजमेर डिवीजन से जो बंदे आते हैं उनका अजमेर में होता है, बीकानेर डिवीजन से जो आते हैं उनका बीकानेर डिवीजनल हेडक्वार्टर होता है, वहीं पे ट्रेनिंग सेंटर होता है। ग्रुप डी में सभी पोस्टों की यहाँ पे अलग अलग ट्रेनिंग का टाइम होता है, किसी के महीने की होती है, किसी की कम की होती है, और किसी की होती ही नहीं है। अलग अलग पोस्टों का जो है अलग अलग यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड होता है, बाकी एक महीने से ज्यादा यहाँ पे किसी की नहीं हो पाती है, और सबकी जो है यहाँ पे ट्रेनिंग होती रहती है दोस्तों, और हो सकता है 5 दिन में आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट करा दे। और ट्रेनिंग सेंटर आपका जो होगा, आपका जो भी डिवीजन होगा उसी के हेडक्वार्टर पे होगा। जैसे कि अजमेर जोन में मैं बात करूं, यहाँ पे 4 डिवीजन आते हैं, तो ग्रुप डी वालों का अजमेर बोर्ड से या अजमेर डिवीजन से जो बंदे आते हैं उनका अजमेर में होता है, बीकानेर डिवीजन से जो आते हैं उनका बीकानेर डिवीजनल हेडक्वार्टर होता है, वहीं पे ट्रेनिंग सेंटर होता है। ग्रुप डी में सभी पोस्टों की यहाँ पे अलग अलग ट्रेनिंग का टाइम होता है, किसी के महीने की होती है, किसी की कम की होती है, और किसी की होती ही नहीं है। अलग अलग पोस्टों का जो है अलग अलग यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड होता है, बाकी एक महीने से ज्यादा यहाँ पे किसी की नहीं हो पाती है, और सबकी जो है यहाँ पे ट्रेनिंग होती रहती है दोस्तों। ट्रेनिंग होने के बाद में फिर जो है आपको स्टेशन अलॉट होता है, और स्टेशन अलॉट जो होता है दोस्तों उसके लिए आपसे जो प्रेफरेंस मांगी जाएगी। प्रेफरेंस में जरूरी नहीं है कि आपने जो प्रेफरेंस दी है उसी पे वही स्टेशन आपको मिले, और आपको जो है रेंडम भी दिया जा सकता है। ये डिपेंड करेगा कि जिस स्टेशन में आपने प्रेफरेंस डाली है उस स्टेशन पे पोस्ट वैकेंट है या उस पे जो है कोई प्रायोरिटी वगैरह नहीं लगी हुई है। अगर पोस्ट खाली है, प्रायोरिटी नहीं लगी हुई है, तो वो स्टेशन आपको मिल जाएगा, आपको बड़े आराम से मिल जाएगा। इसके बाद में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, आपको फिर 3-4 दिन का यहाँ पे एलआर दिया जाएगा। अलग अलग पोस्टों के लिए एलआर अलग अलग होता है, 2-3 दिन आपको काम सिखाया जाएगा जो भी आपको फील्ड रहेगा, उसके बाद में फिर आप जो है इंडिपेंडेंटली यहाँ पे काम करवाया जाएगा। दोस्तों यही सारी कुछ प्रक्रिया आपकी रहने वाली है, और आई होप ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर इसके अलावा भी आपको किसी भी टाइप की यहाँ पे क्वेरीज हो आप कमेंट जरूर करें दोस्तों, मैं आपका कमेंट का जो है पर्सनली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों मैंने जो है ग्रुप डी की सभी 17 पोस्टों की जॉब प्रोफाइल के ऊपर एक डिटेल से वीडियो बना रखा है, और यहाँ पे गर्ल्स के लिए कौन कौन सी जॉब यहाँ पे सुटेबल है, कौन सी जॉब सबसे बेस्ट है, इनके बारे में मैंने अच्छे से चर्चा कर रखी है। उसमें सैलरी के ऊपर भी मैंने काफी सारे वीडियो बना रखे हैं, अलाउंसेस कौन सा मिलेगा, किस पोस्ट में जो है आपको ओवर टाइम मिलेगा, किस पोस्ट में आपको ओवर टाइम नहीं मिलेगा, कौन सी पोस्ट सबसे आप जो है आपने जो पोस्ट प्रेफरेंस करी है उसके अकॉर्डिंग कौन सी पोस्ट सबसे बेस्ट है और कौन सी सबसे खराब है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे टॉप 5 पोस्ट के ऊपर मैं बहुत जल्दी वीडियो ला रहा हूँ कि ग्रुप डी के अंदर आपके टॉप 5 पोस्ट कौन सी रहने वाली है, और आपके ग्रुप डी से ग्रुप सी में डिपार्टमेंट एग्जाम कौन कौन से लगते हैं, उनसे कैसे आप जा सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।